पड़ा रहेगा वो सड़ता रहेगा। हाँ चलो, प्रार्थना भी करते रहेंगे, पुरुषार्थ भी चलेगा। प्रार्थना भीतर से पुरुषार्थ, बाहर से, भीतर से विश्राम, बाहर से श्रम, भीतर से निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति, भीतर से मुक्त रहना है, मोक्ष में रहना है, बाहर से त्रिवर्ग को साधना, भीतर से निश्रेयस में रहना है, बाहर से अभ्युदय करना, ये द्वैत की साधना है जीवन। ये दो बड़े सत्य हैं जीवन के, अभ्युदय निश्रेयस। पुरुषार्थ प्रार्थना, प्रवृत्ति निवृत्ति, त्रिवर्ग मोक्ष, श्रम विश्राम, इसलिए प्रार्थना पूर्वक आपको योग का पुरुषार्थ करा रहे हैं। एक एक मिनट ऐसे सब भोर में उठ करके खाली पतंजलि योगपीठ में ही नहीं, अपने अपने घरों में, और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, केवल भारतवर्ष में, आर्यावर्त में ही नहीं, पूरे जहान में सब योगी बने, योगमय हो सबका जीवन, योगमय, वेदमय, ऋषिमय, अध्यात्ममय, आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, भारत, आध्यात्मिक विश्व, यही तो है ध्येय हमारा। कर्म योग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है, मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। सर्वांगासन शीर्षासन के बाद निरंतर योग और कर्मयोग, सारे सत्य को दो शब्दों में कह दिया, योग और कर्मयोग। जो बड़ी उम्र वाले हैं, हमारे श्रद्धे पद्मसेन बाबूजी जैसे, वो अपना शीर्षासन ना करें, वो सर्वांगासन ना करें, वो भस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें बड़ी उम्र वाले। चलो करो सब शेष सर्वांगासन भी, योग और कर्म योग का ही गीत भी गा रहे यहां से, और वैसे ही जीवन को जिएंगे। कर्म योग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है, मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्म योग ही साधना, जीवन का आधार है, मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्म योग ही शेष साधना, हरा सा आसन के बाद चक्रासन पश्चिमोत्तानासन, पांच आसन तो प्रारंभ में योग रोज करने, बच्चों को, जवानों को, सब जवानों को स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, विद्या विभूति चाहिए, जीवन के सारे ऐश्वर्य, सारी सफलताएं, सारी विजय योग और कर्म योग से मिलती है, ये मेरी अनुभूति कह रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं।
ये खाली प्रवचन नहीं है, कोई प्रवंचना नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर्म योग पर ही निर्भर है जीवन में हर उपलब्धि। कर्म योग करने से होती है संकल्पों की सिद्धि। कर्म योग आश्रय नहीं है तो पग पग हो गए। अब पांच अभ्यास पेट को ठीक रखे, पेट पीठ सब ठीक रहेगा। प्रधानता से लाभ कहे जाते आसनों के, कुछ आगे झुकने वाले कुछ पीछे झुकने वाले। तो पहले पांच अभ्यास पेट के लिए, फिर पांच अभ्यास पीठ के लिए, दस अभ्यास हो जाएगा। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां, पांच अभ्यास पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। सारी दुनिया परेशान है, पेट अपसेट है, लाइफ अपसेट, बिजनेस, हर परिवार, जिंदगी अपसेट हो जाती है। बिना योग के, बिना कर्म योग के कोई गति नहीं है जीवन। कर्म बिना निष्कर्मता ही निश्चित ही अप्राप्य है। आगे झुक गए, चाहे वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाओ, चाहे पद्मासन में बैठ के झुक जाओ, चलो दोनों ही कर लेते हैं। अपना तो शरीर अच्छा है, ये तो अधिक उम्र में बहुत पीड़ाएं होती, और वैसे योगी 100 साल तक ऐसे ही रहता है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर, योग मुद्रासन के लिए आगे झुक जाते हैं लयबद्ध होकर के। एक एक मिनट एक एक आसन करें ना, तो जीवन में कोई समस्या रह नहीं सकती। सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रताएं, सारी असफलताएं, सारी कुंठाएं इसलिए हैं कि लोगों ने योग और कर्म योग के मार्ग को छोड़ करके योग की जगह भोग को अपना लिया, और कर्म योग की जगह पुरुषार्थ की जगह प्रमाद में फंस गए। विहित कर्तव्य कर्म ही परम लक्ष्य का साधन है। अकर्मण्य है दीन जगत में कर्म योगी का शासन है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही परम लक्ष्य का साधन है। अकर्मण्य है दीन जगत।
आसन के बाद उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, मात्र ये तीन आसन देख कर एक मिनट तक, लेकिन ऊंचा उठा करके रोक करके रखना, एक मिनट से पहले नीचे नहीं आना। लोगों को लाभ पूरा चाहिए, करते पूरा नहीं। ध्यान दो, प्रीति पर ध्यान दो, फल तो मिलेगा ही, अवश्य भागी अनंत गुणा मिलेगा। अभ्योदय श्रेयस है कर्म योगी के लिए फल ऐश्वर्य भोग उपलब्ध जगत में, कर्म हीन उनसे वंचित। उत्तान पादासन सबको जीवन में अभ्युदय चाहिए, निश्चय चाहिए, सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नेम फेम चाहिए, ये सब कर्म से मिलेगा भाई। अभ्युदय सब ग्रंथों का सार है, कर्म योग है शेष साधना। अरे कैसे नीचे कर आ गए, अभी तो मैं ऊपर ही, गुरु जी कर रहे हैं और शिष्य नीचे पड़ गए, ये तो गलत बात है। अब आओ नीचे आना है, एक मिनट से पहले कोई नीचे नहीं आएगा। चलो पवन मुक्तासन, कम से कम पांच आसन ऐसे करने रोज, तो फिर जीवन में कभी पेट अपसेट नहीं, लाइफ ही अपसेट नहीं, सब कुछ सही रहेगा, सही दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हमारी साधना ठीक होनी चाहिए, साधन ठीक होना चाहिए तो साध्य मिलेगा। अब सब लोगों को साध्य चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जीवन में प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए, भाई साधन तो कर लो। चलो पांच अभ्यास करवा दिए पेट के लिए, पांच अभ्यास पेट के लिए। सबसे पहले मरकटासन, फिर उसके बाद मरकटासन के बाद दूसरे अभ्यास। अभ्युदय श्रेयस है कर्म योगी के लिए फल ऐश्वर्य भोग उपलब्ध जगत में, कर्म हीन उनसे वंचित। सब ग्रंथों का सार है, कर्म योग ही शेष साधना, जीवन का आधार है, मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है, कर्म योग ही शेष साधना, जीवन का आधार है, मूल मंत्र प्रत्येक।
मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये दो आसन तो सीधे लेट के हो गए। फिर उल्टे लेट करके देखो, बिल्कुल सरल है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, आराम से हो जाते। उष्ट्रासन, इतना जो कर लेंगे उनका पेट के साथ साथ पीठ भी ठीक रहेगी। और पेट पीठ ठीक होने का मतलब आगे और पीछे के सारे ऑर्गन्स का ठीक होना। आगे का मुख्य ऑर्गन है हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, और पीछे मेरुदंड, जिसमें पूरा हमारा नाड़ी तंत्र है। 72,72,201 नाड़ी है, अष्ट चक्र है, नवद्वार है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों ठीक रहेंगे तो फिर आदमी रोगी हो ही नहीं सकता। ये इसके पीछे का दर्शन है मकर आसन, भुजंगासन। तो मुख्य आसनों के अभ्यास बता रहे, फिर अलग अलग रोगों के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मृदंड के लिए, बॉडी के पूरे एक्सप्रेशन के लिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भुजंगासन एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मैंने 5 लाभ बड़े रूप में बताए हैं योग के। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कौन या पूरी सीधी ऊपर की ओर देखा, कंप्लीट एक्सप्रेशन, या इसको डिवाइन एक्सप्रेशन बोलो, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा लाभ, समग्र दिव्य रूपांतर, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको अधिक बार भी कर सकते हैं, 100 बार कर लो, क्या दिक्कत। 100 बार करने में 1 मिनट लगती है, ऐसे 1 मिनट में 100 बार हो गए। तो भुजंगासन से भुजाएं भी जबरदस्त हो जाएंगे, पेट पीठ सब कुछ एकदम ठीक, लेकिन 100 बार करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो 2 मिनट लगेंगे, तेजी से करेंगे तो 1 मिनट लगेगा, लगने तो क्या दिक्कत। इसको तो थोड़े दुर्बल हैं, कमजोर हैं, थोड़ी भुजाओं में दमखम कम है वो भी कर सकते हैं, थोड़े मध्यम बल वाले हैं तो धीमे धीमे कर सकते हैं, और जब पूरे फुर्तीले हैं तो तेजी से कर सकते हैं। करना है 100 साल तक, कमर अच्छी रहेगी, धीरे करो, मध्यम गति से करो, तीव्र गति से करो, लेकिन करो जरूर। हो गया सबका 100 बार, कुछ तो 50 में अटक गए, कुछ 75 तक पहुंच करके ही ढह गए। नीचे आते समय थोड़ी, यहां ऊपर उठते समय देखो, ऐसे ऐसे ये तरीका जो करे पूरा करे, आधा अधूरा नहीं चलेगा। ऐसे इसमें व्यायाम भी हो गया। मैंने समय देख करके क्या हुआ, तेजी से करते हैं ना फिर इसमें विश्राम हो जाता है। श्रम और विश्राम, मैं बोल रहा था ना, दो ही जीवन के साधन है, श्रम विश्राम, भीतर से विश्राम बाहर से प्रवृत्ति निवृत्ति, भीतर से निवृत्ति बाहर से प्रवृत्ति, भीतर से निश्रेयस बाहर से अभ्युदय, भीतर से प्रार्थना बाहर से पुरुषार्थ। श्रम के बाद विश्राम हो गया, अब शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाया, नीचे लेकर के आ गया। ये मैं 2 शब्द जो बोल रहा हूं इनके ऊपर बहुत बड़ा असमंजस्य है, खास करके ये जो भौतिकवादी लोग हैं ये तो पुरुषार्थ को ही सब कुछ मानते हैं, और हम भी पुरुषार्थ को सब कुछ मानते हैं, लेकिन उस पुरुषार्थ की जो पृष्ठभूमि है, पुरुषार्थ के मूल में जो भाव चेतना है वो हमारी
प्रार्थना की। ये जो भौतिकवादी लोग हैं ये तो केवल समृद्धि को, सफलता को, विजय को, बाहर के ऐश्वर्य को सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं बाहर से अभ्युदय होना चाहिए, समृद्धि ऐश्वर्य होना चाहिए। भगवान का नाम ही ईश्वर परमेश्वर है, लेकिन उस अभ्युदय के मूल में निश्रेयस होना चाहिए, कर्मयोग के मूल में योग होना चाहिए, एक एक पैर से दोनों पैरों से। और बच्चे तो पूरा कर लेते हैं, बाकी बड़े वाले थोड़ा थोड़ा तो कर ही ले, ऐसे धनुरासन कर सकते हैं। जिनसे जितना हो पाए उतना कर लिया, और उष्ट्रासन तो हो ही जाता है फिर सबसे। जिनसे ऐसे ना हो पाए ऐसे एड़ियों पर बैठ करके ऐसे उठ जाए, ऐसे वापस आ जाए, जिससे जैसा बन पाए होना चाहिए। और जब आप करेंगे, करने से सब कुछ होगा, सब कुछ कर्म साध्य है। देखो ये जीवन ना, छोटी छोटी बातें यदि उसमें जरा ऊंचा नीचा कुछ हो जाए तो फिर कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बस स्वीकार करेंगे, पांच मिनट तक फिर कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, राम रे उद्गीत, शीतली शीतकारी, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक अभ्यंतर आदि, जो जिसके लिए अत्यंत आवश्यक है प्राणायाम। ये तो 99% सारा लाभ योग का वो प्राणायाम ध्यान पर ही आधारित है। और इस प्राणायाम में भी भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये प्रमुख प्राणायाम। प्राणायाम के संदर्भ में मैं बोलता हूँ ये मैंडेटरी है, सबके लिए अनिवार्य है। बाकी बहुत सी चीजें वैकल्पिक है, आसन वैकल्पिक है, व्यायाम वैकल्पिक है, कोई दंड बैठक लगा रहा है, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, फिजिकल वर्कआउट्स आज की यंगस्टर्स उसको बोलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकती हैं, पोस्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपकी साधनाएं डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी रुचियां अलग अलग हो सकती हैं, आपकी प्रवृत्तियां अलग अलग हो सकती हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च से लेकर के सर्विसेज से लेकर के विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका में आपकी भिन्न भिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन बहुत कुछ बदल सकता है जीवन में। लेकिन प्राणायाम ये अपरिवर्तनीय सत्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी ऑप्शन है कि आप संसार में गृहस्थ धर्म के साथ जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं कि संन्यास धर्म के साथ, बहुत विकल्प है, लेकिन प्राणायाम का कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन। नान्य पंथा विद्यते नाय, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, इसमें भी तीन विकल्प है। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, अस्थमा है, हर्निया है, कमजोरी है, कमर में दर्द है, ये धीरे करें, शेष मध्यम गति से करें, युवा, बच्चे, विद्यार्थी तीव्र गति से करें, एक क्षण में मन व्यवस्थित हो जाता है, एक क्षण में। वेग पूर्वक वापस वही शब्द दोहरा रहा हूं, वस्त्रिका करती है, रुकना नहीं आपको, 3 से 5 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए तीव्र गति से।
श्रद्धा की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक, निष्ठा का अतिरेक, भगवत शरणागति का, भगवान के आलंबन में जीने का, भगवान के आलिंगन में रहने का, परम विश्रांति में, परम भक्ति में, अनन्य भक्ति में। भक्त्यात्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञा तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। एक तरफ श्रद्धा का अतिरेक, दूसरी तरफ कुर्वन्येह कर्माणि जिजी विचे छतं समाह एवं त्वयि नान्यथी तोस्ति न कर्म लिप्यते नरि। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म चह्योय कर्मण, नियतस्य तु सन्यासः कर्मण नोपपद्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। कर्म तो करना ही है, लेकिन वो अनासक्ति पूर्वक करना है, उसमें कोई आसक्ति ना हो, राग द्वेष ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अविवेकपूर्ण कामना ना हो। विवेकपूर्ण कामनाएं तो होंगी ही होंगी, विवेकपूर्ण कामनाओं के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता, लेकिन अविवेकपूर्ण कामनाएं ना। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अकर्म में तेरा संग नहीं होना चाहिए। बस त्रिका के बाद चलो कपाल भाती करते हैं लय के साथ। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, गति का चयन अपने शक्ति के अनुसार। जिसको जो करना है अतिरिक्त श्रद्धा का, अतिरिक्त ज्ञान का, अतिरिक्त कर्म का, श्रद्धा का अतिरेक, ज्ञान का, प्रकाश का, ज्योति का अतिरेक। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः। अतिरेक में जीना है, पराकाष्ठा में जीना है, और पराकाष्ठा में ही परम गति है। जो पराकाष्ठा में जीते हैं वे ही धरती पर बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साम्राज्य कायम करते हैं, पराकाष्ठा में जीने वाले। बाकी तो दाल रोटी सारी दुनिया ही खा रही है, और कुछ भूखे भी मर रहे हैं। खाना पीना, सोना जागना, और प्रवाह में कुछ संतानें पैदा कर लेना, ये कोई बड़ा काम? ये तो संसार में सभी कर रहे हैं, सारे जीव जंतु लगे हुए, चींटी से लेकर के हाथी तक सब सीधे बैठ करके, लयबद्ध हो करके, एकात्म हो करके, योगाभ्यास करते हुए इस सत्य को आत्मसात करें जीवन में, कि हमें एक क्षण भी एक क्षण एक पल भी, पल भर के लिए भी अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अशुभ का स्वागत नहीं कर। अब जीवन के सत्य को दूसरे शब्दों में कह रहा हूं। पहले मैंने कहा श्रद्धा की, ज्ञान की, कर्म की पराकाष्ठा, और यदि केवल एक एक शब्द में सारे सत्य को कहें तो कर्म है, वो पुरुषार्थ, उसी में पुरुषार्थ चतुष्ट है। वो कर्म कैसे होना चाहिए? वो कर्म विवेकपूर्ण होना चाहिए, वो कर्म श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, वो कर्म, वो श्रम विश्राम पूर्वक होना चाहिए, वो
प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक होनी चाहिए। वो अभ्युदय निश्रेयस मूलक होना चाहिए। इसी के लिए मैं बार बार कहता हूं, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना। कपालभाति निरंतर करते हुए जीवन में आरोग्य पाना है, स्वास्थ्य पाना है, समृद्धि पानी है, सफलता पानी है, विजय पानी है, पूर्ण शांति पानी है, पूर्ण संतुष्टि, कंप्लीट जॉय, इटर्नल पीस, इसको शाश्वत शांति कहते हैं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत असीम अथाह अपरिमित पूर्ण प्रसन्नता जिसको कहते हैं पानी है। तो उसका साधन है, एक शब्द में कहो तो योग। योग में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, आत्म संयम योग, विभूति योग है, सब कुछ समाहित है। मोक्ष संन्यास योग में भी सब समाहित है और कर्म योग में भी सब समाहित है, पुरुषार्थ में सब समाहित है, लेकिन एक बात है, किसी भी सत्य को समग्रता से समझे। इसलिए मैंने बार बार कहा है, समग्रता, संतुलन, वैज्ञानिकता, व्यवहारिकता, सार्वभौमिकता, न्याय, एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, अपने जीवन का निर्माण और सबके जीवन का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और अंत में व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, नए युग के निर्माण के साथ अपना और सबका निर्वाण, मोक्ष, सेल्फलाइजेशन टू कलेक्टिवलाइजेशन, दिस इज द जर्नी ऑफ योग एंड स्पिरिचुअलिटी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवः। पहले लेकिन दुरितों को हटाना पड़ेगा और फिर यद भद्रम तन्न आसुवः। भद्र क्या है? भदी, कल्याणे, सुखे च। भद्र क्या है? कल्याण। कल्याण माने आत्म कल्याण, मोक्ष, निर्वाण, ये है कल्याण। और सुखे, सुख माने अभ्युदय, सुख माने समृद्धि, सुख माने सफलता, सुख माने विजय। जिसके जीवन में सफलता नहीं है, जिसके जीवन में विजय नहीं है, जिसके जीवन में उपलब्धियां नहीं है, जिसके जीवन में ऐश्वर्य नहीं है, वो खाक सुख पाएगा? वो दरिद्र कहीं का। भदी कल्याणे सुखे जा। यद भद्रम तन्न आसु, हमारे जीवन में हमारा कल्याण भी हो और हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो। ये कब होगा? ये तब होगा जब इधर से अज्ञान हटेगा। पहले तो दूसरी तरह से सत्य को कहा, एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति। विधि और निषेध में दो तरह से बात समझ में आती है। जैसे एक बात कह दी, सबसे प्रेम करो, अब इसका कोई उल्टा भी अर्थ ले सकता है। मोह किसी से ना करो, कुदृष्टि किसी पर ना रखो, वासना एक क्षण भी चित्त में ना रखो। अब प्रेम करो इसके, क्या नहीं करो इसको मैं 100 तरह से कह सकता हूं। दुराचार नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, मोह आसक्ति में नहीं फंसो, विद्वेष द्वेष नहीं करो, राग नहीं करो,
किसी की हिंसा मत करो, प्रेम करो, इसके विपरीत सैकड़ों बातें। तो जीवन को अब दो शब्दों में कह रहा हूं, पहले भी दो शब्दों में कहा था, अब दो शब्दों में दूसरी तरह से कह रहा हूं। कपाल भाति निरंतर कर रहे हैं, जीवन समझ में आ गया तो फिर तो जीवन उत्सव बन जाएगा, ये देह देवालय बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, मानव महामानव पुरुष महापुरुष बन जाएगा। मैं कल भी बच्चों का एक कार्यक्रम कर रहा था इंडिया टीवी पर, वहां पर भी बोल रहा था, बच्चों को एक शिक्षा बचपन से ही देनी चाहिए, माता पिता को, गुरुओं को, और मैं वो देता हूं और बार बार इस पर ध्यान दिलाता हूं, जिससे कि एक बार भी भूल ना हो। मैं बच्चों से बोलता हूं, एक बार भी गाली नहीं देना, नहीं तो गाली देने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए हम प्रसंग आने पर भी कि कोई ऐसे गाली दे रहा था तब भी गाली दे के नहीं बताते कि ऐसा दे रहा था, पता नहीं किसकी, कोई माँ की, कोई बहन की, कोई बेटियों की, कोई अपने ही गाली देते रहते, अपने आप ही को गाली देते रहते। गाली एक बार भी नहीं देना, झूठ एक बार भी नहीं बोलना, चोरी एक बार भी नहीं करना, मार पिटाई एक बार भी नहीं करना। गुरुकुल कालवा में हम पढ़ते थे तो गुरुजी ने नियम बना रखा था, जो ऐसे हाथ उठाएगा वो गुरुकुल से बाहर जाएगा, और बोले 100 गलतियां तुम्हारी माफ, सैकड़ों तरह की गलतियां माफ करते थे। उसके लिए किसी का नाश्ता, किसी का दोपहर का खाना बंद करते थे, किसी को और कई प्रकार के दंड देते थे, लेकिन बोले जिसका उठ गया हाथ फिर वो नहीं रह सकता, एक बार भी हाथ नहीं उठा। बोले अभी तुम हाथ उठा रहे हो, कल को किसी का गला पकड़ोगे, परसों को किसी को गुस्सा मारोगे, फिर पत्थर उठा करके मारोगे, फिर हो सकता है तुम तीर भाले तलवार चलाओ, तुम फिर कल को तो उसको सूट ही कर दो। एक बार बोले भाई इसके तो पैर निकल गए, गांव में बोला जाता है ये, इसके तो पैर निकल गए, अब अर्थात अब पता नहीं कहां जाके रुकेगी ये, कहां जाके रुकेगा। एक बार बोले जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, जो बेशर्म हो गया वो कुछ भी कर सकता है। एक बार जिसने झूठ बोलना शुरू कर दिया उसके ऊपर जिंदगी भर विश्वास नहीं होता, हर समय ये आता है इसने पहले झूठ बोला था, कहीं अभी तो झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए मैं कहता हूं अपने गुरु से, अपने माता पिता से, गृहस्थ में पति पत्नी एक दूसरे से, एक बार भी झूठ नहीं बोलना। आप कहेंगे समझिए कार्यक्रम तो हम कर चुके हैं, फिर क्या करें, तो फिर तुम प्रथम कोटि में तो नहीं रह पाओगे, बोलिए तो गड़बड़ हो गई। फिर उसके लिए आपको कम से कम 5 साल लग जाएंगे, कम से कम बता रहा हूं। गुरु कितने ही धैर्यवान हैं, कितने ही विवेकी हैं, कितना ही विश्वास करते हैं तुम पर, फिर भी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिर भटक जाए। फिर तुम कहते रहते हो कि जी कितनी और परीक्षा लोगे, अब तो विश्वास करो मेरा, फिर गीत गाते रहते हैं, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध, धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। तो प्रथम कोटि का जीवन ये नहीं, एक बार दुराचार किया, एक बार व्यभिचार किया, एक बार अनाचार किया, एक बार झूठ बोली, एक बार चोरी चकारी की, एक बार भ्रष्टाचार घोटाला कर लिया, तो जिंदगी भर लग गया ठप्पा, स्टैंप लग गई किसकी, घोटालेबाज की, चोर की, ये दुराचारी है, ये व्यभिचारी है, इसने फला मां बहन बेटी के साथ दुराचार किया, व्यभिचार किया, ये चोर कहीं का, ये डाकू कहीं का, ये घोटालेबाज, ऐसे ही पार्टियों पर भी ठप्पा लगा हुआ है।
घोटालेबाज पार्टी, चोर पार्टी, चरित्रहीन पार्टी, संस्थाओं पर ही ठप्पा लगा हुआ है। बहुत सी संस्थाओं में दो चार दस ने कर दिया कार्यक्रम। इसलिए हम पतंजलि योग पीठ, जो करोड़ों लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र है, वहां पर कोई बुरी मोहर नहीं लगने देना चाहते, बुरी स्टैंप नहीं लगने देना चाहते, और इसके लिए हम परम पुरुषार्थ करते हैं, ये बुरा ठप्पा ना लगे। इसको बोलते हैं, अब आधुनिक भाषा में बोलता हूं, इमेज परसेप्शन। परसेप्शन गड़बड़ हो गया, सीधे बैठो, सीधे बैठ करके कपाल भाती करते करते एक बड़ी बात कह रहा हूं, एक बार भी पापों की तरफ पग नहीं धरना। इसलिए महर्षि दयानंद का जीवन का मूल मंत्र था, देखो साधना का मूल मंत्र है गायत्री मंत्र, और जीवन का मंत्र क्या है, विश्वानि देव सवितर। महर्षि दयानंद कोई भी प्रवचन उपदेश प्रारंभ करते थे, कोई भी बात कहते थे, इसी मंत्र से कहा था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। एक पग भी पापों की ओर नहीं, इसको मैंने बार बार कहा, एक क्षण भी अज्ञान का, श्रद्धा का, कर्मण्यता का, अशुभ का, दोषों का, दुर्गुणों का स्वागत नहीं करना। क्या कहो बच्चों, एक क्षण के लिए भी किसी बुरी चीज का स्वागत नहीं करना, और अच्छी चीज का अनादर, बस यही जीवन, यही जीवन है, और इसी सत्य का बखान है चारों वेदों में, सब दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में, पुराणों में, सब शास्त्रों में इसी सत्य का बखान है। लेकिन आदमी उल्टा पुल्टा करता रहता है, जब कोई बुरा सा रूप सामने आया और उसी में खो गया तो बुरे रूप का स्वागत क्यों किया भाई, बुरे शब्द का स्वागत क्यों किया, सुन के भी अनसुना कर दो, देख के भी अनदेखा कर दो, बोले जी ऐसे कैसे होता होगा, एक बार भी बुरा नहीं देखना। भद्रम करणी भी श्रुणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिरिय जत्रा स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूर्य चंद्रमसा विवा। एक तरफ भी पापों की तरफ बगनी परोपे ही मनस पापा कि मस्तानी संससी, दो दशकों से सारे देश को सुना रहा, एक क्षण के लिए भी पापों की ओर प्रवृत्त नहीं होना, अशुभ में प्रवृत्त। एक क्षण भी प्रमाद के शिकार नहीं होना, आलस्य के, नकारात्मकता के, निराशा के शिकार नहीं होना। अहम इंद्रो न पराजिगे का अर्थ ये, मैं कभी पराजित नहीं होगा, मैं पराभूत नहीं होगा, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से मैं पराभूत नहीं होगा। ये बात जिसको समझ में आ गई वो सब जीवन मुक्त है। वो सब क्या है बोलो, ए छोटे छोटे बच्चों सीधे बैठो, सीधे बैठने का अभ्यास होना चाहिए, एक घंटे तक आदत बनाओ, कुछ थोड़ी देर में ही कपाल भाती चल रहा है। फिर करते 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 फिर कुछ तो सो ही जाते हैं। अब मैंने कहा भाई अभी आलस्य का स्वागत मत करो, नींद का स्वागत नहीं करो, और सो जाते, पढ़ते पढ़ते सो जाते, संध्या करते करते सो जाते। ओम भू, दो तीन मंत्र तो बोले गए, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम सन्नो देवी रभिष्टये, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम भूपनाथ श्रीसिंह भूपनाथ नेत्रिय, होते होते ओम भू ओम भुवः ओम सो गए। फिर पूरी संध्या हुई तो उठे,
समाधि नहीं लगी, व्याधि लग गई। नींद आती है तो कहते आओ, आनो भद्रा कृतवो नहीं, आनो निद्रा, आओ निद्रा। मैं तो तुम्हारी बात जो रहा था कब से। अब ये किसी की को आती नहीं और किसी की जाती नहीं। ये बुढ़े बुढ़े यू पड़े पड़े ऊपर पंखे की पंखुड़िया, पहले कहते थे गांव में वो क्या है? क्या बोलते हैं उनको जो लकड़ी की लगी रहती थी ना, पड़े पड़े कड़ी कड़ी गिनते रहते थे, नींद ही नहीं आती थी। किसी को आती नहीं, अरे ये जवाने में नींद जाती नहीं और बुढ़ापे में आती नहीं। एक क्षण के लिए भी आलस्य प्रमाद है, परे हट, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। ये परे हट, परो पे ही मनस पाप। कपाल भाती, चलो अनुलोम विलोम करो। ये भांति भांति की भ्रांतियां बहुत पलती हैं जीवन में। तो अभी नए बच्चे भी आ गए हैं बाई तरफ, एक बार इनका भी स्वागत कर दो, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी इनको दीक्षा देंगे। अभी तो किसी के सामने बिल्ली बैठी हुई है, किसी के सामने चूहा है, किसी के सामने शेर है। अच्छी बात है, बच्चों को जीव जंतुओं से प्रेम है। तो शेर, बिल्ली, चूहा, खरगोश और अलग अलग तरह की रंग बिरंगी ड्रेसेस है इनकी। प्रकृति प्रेमी है। अनुलोम विलोम करते रहो। एक बार भी अब गुरुकुल में प्रवेश हो गया, पतंजलि योगपीठ में प्रवेश हो गया है, अब एक बार भी झूठ नहीं बोलना, एक बार भी चोरी नहीं करना, एक बार भी आलस्य प्रमाद के शिकार, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, इसका शिकार नहीं होना। यहाँ की पहली मर्यादा, पहला नियम है, ये प्रोटोकॉल है, साइंस के प्रोटोकॉल लोग मानते हैं। आपने रिसर्च किया? कहा किया। प्रोटोकॉल फॉलो किया? हाँ किया। रिसर्च के प्रोटोकॉल्स हैं, रिसर्च के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन का पहला प्रोटोकॉल है अशुभ का स्वागत नहीं करना, अज्ञान का, अकर्मण्यता का, अधर्म का, अपवित्रता का, अशुचिता का स्वागत नहीं करना। बड़े शब्दों में कहूं तो हिंसा का, झूठ का, बेईमानी का, दुराचार का, अनाचार का, परिग्रह का, अशुचिता का, असंतोष का, विलासिता का, आत्मुक्ता का, नास्तिकता का स्वागत नहीं करना, बुरी चीजों का स्वागत नहीं, बुरी बातों का स्वागत नहीं, और बुराइयों को आदर नहीं देना और अच्छाइयों को उनको उनको आदर देना, उसको अनादर मत करना, उसका तिरस्कार मत करना, उसको अपनाना। मुझे योग निष्ठ रहना है, मुझे गुरु निष्ठ रहना, शास्त्र निष्ठ, वेद निष्ठ, मेरी योग निष्ठा, मेरी गुरु निष्ठा, मेरी शास्त्र निष्ठा, वेद निष्ठा, सत्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, सेवा निष्ठा, मेरी पुरुषार्थ निष्ठा कोई खंडित नहीं कर सकता। यह है मेरा अखंड व्रत, यह है मेरे जीवन का नियम, यह है मेरे जीवन की मर्यादा, यह है मेरे जीवन का सिद्धांत, यह है मेरा धर्म। ऐसा जीना है जी, और जिनका जीवन होगा ऐसा, वो जीवन में सफलता के सोपान चढ़ेंगे, समृद्धि के सोपान चढ़ेंगे, विजय के सोपान चढ़ेंगे, और जो ऐसा नहीं करेंगे वो पग पग पर गिरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, लुटेंगे, मिटेंगे, और फिर हाय ये मैंने क्या कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है, मैंने बचपन में ये क्यों नहीं किया और ये क्यों कर दिया था, मैंने उल्टा पुल्टा क्यों करता रहा और सीधा सीधा क्यों नहीं किया। पढ़ते समय व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र जो पढ़ना था, मैथ, साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस, भाषा, परिभाषाएं, सूत्र, मंत्र, श्लोक जो पढ़ना था, पढ़ते समय पढ़ाई क्यों नहीं की। मैंने योगाभ्यास में, विद्याभ्यास में, व्रताभ्यास में भूल क्यों की, क्यों की,
ये पश्चाताप रहता है फिर जीवन भर। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है कि मैंने बचपन में यह अच्छा कर्म क्यों नहीं किया, इसलिए मैं खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। प्रसन्नता का ही आधार है। लोग कहते स्वामी जी आप खुश कैसे रहते हो, हमको भी सिखा दो। मैंने कहा सीख लो, हंसो। बोले बाबा जी हंसते तो हैं ये, है एक बार तो कर लेते हैं। हा, कई तरह से हंसा देते हैं लोग, हास्य योग करवा लेते हैं, लेकिन जैसे हंसना बंद होता है पिछले कर्म याद आते हैं। फिर भगवान का विधान क्या काम करता है, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। देश का कानून और संविधान क्या काम करता है, बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य है तो अपने कर्म अपने आंखें सामने खड़े हो जाते हैं। ऐ नीच, ऐ पापी, ऐ दुराचारी, ऐ व्यभिचारी, ऐ झूठे, ऐ पाखंडी, तो अभी योग करने का पाखंड कर रहा है, कितने पाप कर रखे तूने, तेरी गठरी पाप से भरी हुई है, और तू अभी बना त्यागी तपस्वी, अब बन रहा है तू प्रधानमंत्री, अब बन रहा है तू राष्ट्रपति, अब बन रहा है तू ऋषि मुनि, अब बन रहा है योगी, अब कहला रहा है अरे साहब हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े साधु तपस्वी आए हुए हैं। और वो साधु तपस्वी अपने भीतर झांक के देख रहा है तो कितने दुराचार पे विचार कर रखे हो, कहता है धिक्कार है तुझे, सारी दुनिया तुझे साधु संत महात्मा समझ रही है और तू तो पापी है। आदमी दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन अपने आप को धोखा कभी नहीं दे सकता, इसलिए धर्म का मर्म यही है कि अपने आप को वंचना आत्मवंचना कभी ना करे, आत्मवंचना कभी ना करे, यही धर्म, यही योग धर्म है, यही वेद धर्म है, यही अध्यात्म धर्म है, यही ब्रह्म धर्म है। ब्रह्म धर्म भी एक संप्रदाय हुआ है। अब तो गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, अब गुरु पूर्णिमा पर भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, इस बार गुरु मंत्र भी देने वाले हैं। गुरु मंत्र के नाम पर बहुत पाखंड चलता था देश में, बताओ तो। अभी पिछले 3 महीनों से हमने सबको नाम की दीक्षा दी है, मंत्र की दीक्षा दी है, नाम की दीक्षा, मंत्र दीक्षा, ध्यान की दीक्षा दी है, वेदों की शिक्षा दीक्षा दी है। तो इस बार का गुरु पूर्णिमा पर्व भी खास होने वाला है। और ऐसे अभी काफी भाई बहन आ चुके हैं लॉकडाउन के दौरान भी, जिसको इस योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर और विशेषतः संन्यास के मार्ग पर चलना है, ऐसे भी पवित्र आत्माएं आई हुई, एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, आ चुके। मैंने आह्वान किया था भाई जैसे भी हो आ जाओ, आने वालों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, पथ की बाधा कब रोक सकी आगे बढ़ने वालों को, ये तो पथ का विधान ही है। बाधाएं चुनौतियां अलग अलग प्रकार की हर समय रहेंगी, इसलिए जो ये चाहते हैं कि हमें तो जीवन में कल्याण करना है लेकिन हमको शांति चाहिए, मेरे से बहुत लोग आते हैं, आते ही बोलते हैं स्वामी जी हमको ना कोई झंझट नहीं चाहिए, चारों तरफ संसार में बड़े झंझट है। अच्छा मैं सुनता हूं थोड़ी देर सुनता हूं, जैसे बाबूजी बैठे इधर पद्मसेन जी कल आए, 1 घंटे तक तो उन्होंने शिकायत ही की, ये शिकायत वो शिकायत सारी शिकायत सुन ली मैंने। ऐसे ही स्वामी जी बड़ा प्रपंच है संसार में, हाँ जी बहुत झूठे लोग हैं, हाँ जी बहुत धोखा करते हैं, हाँ जी ठीक, अपने भी धोखा कर देते हैं, बच्चे भी दिल तोड़ देते हैं, बीच अधर में छोड़ देते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। स्वामी जी बहुत चोर लोग हैं, बहुत बेईमान हैं, बहुत धोखा है, पग पग पर ठोक रहे हैं, उलझने बहुत है, गफलत बहुत है। मन कहा हाँ जी हाँ जी ठीक है सर, अरे है अब करना क्या है वो भी तो बात सुन लो। जिस किसी को देखो शिकायतों का ढेर लगा हुआ है, तो बाबूजी ने भी बहुत शिकायत की, फिर सारी शिकायत जब पूरी हो गई मैंने कहा बाप अपनी कहूं, मैंने कहा बोल कहो आपकी तो सुनने आए, मैंने कहा अपने भगवान का नाम लो और अच्छा काम करो, जितना बन पाए अच्छे से अच्छा करता जाओ, और अच्छे करते जाओ, और अच्छे करते जाओ, और एक दिन जीते जी बच्चों से भी संन्यास ले लो,
मैं तो पहले ही सन्यासी बन गया, अब तुम भी सन्यास ले लो, मोह माया छोड़ दो। इसका मतलब किसी पे आसक्ति मत रखो, प्रीति सबसे करो, जैसे मैं करता हूं सबसे प्रीति करता हूं। मैं मां से भी अत्यंत प्रीति करता हूं, उनको भगवान का ही स्वरूप मानता हूं, लेकिन आसक्ति नहीं रखता। आसक्ति ऐसी है कि मां की गोद में जाकर के बैठना है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमको होम सिकनेस हो रही है, क्या हो रही है, मां की गोदी में जाके बैठना है। अब मां की गोदी में जाके चिपके रहोगे तो फिर विद्वान कब बनोगे, बलवान कब बनोगे, जीवन में सफलता के सोपान कब चढ़ोगे। इसलिए जो सुबह से शाम तक मम्मा मम्मा करते रहते हैं, मां की गोदी में ही बैठे रहते हैं, मां से लिपटे रहते हैं, चिपटे ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं, एक तो वो बच्चे हैं मम्मा 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 करते करते 20-25 साल की उम्र हो गई, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, कुछ पाया नहीं जीवन में। और एक ऐसे बच्चे हैं कि माँ आप मेरी माँ हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आप की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, ऐसे कुछ करके दिखाऊंगी जिससे कि माँ तेरा यश और माँ भारती का यश और वो जगत जननी, वो जगत माता, वो जगत पिता, वो जगत गुरु मेरा परमात्मा, उसका यश मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा, ऐसा कुछ करके और बन के दिखाऊंगा। ये है सच्चा प्रेम। नहीं आजकल वो ना, आजकल कुछ भी कभी कभी हमको भी फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप आदि देखना पड़ता है तो ऐड आते रहते हैं, मम्मी मम्मी, मैं किसी की मम्मी नहीं, मम्मी 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 करते रहते, करते कुछ नहीं है, मम्मी मम्मी। ये मम्मी मम्मी करने से बात नहीं बनेगी। एक बार बस कह दिया ना मां से, एक बार प्रेम तुमने अपना, प्रेम तो हृदय की बात है, वो कोई लिपटने चिपटने से कोई बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है ये, इसके लिए फिर बड़ा साहस करना पड़ता है कि एक बार मैंने स्वीकार कर लिया बस, अब तो करना है, जीना है ऐसे कि प्रतिपल प्रसन्नता रहे, अंतर से संतुष्टि रहे। और कुछ यदि मैंने माना, एक दूसरी बात और कहता हूं कि कुछ गलत भी हो गया, मैंने कहा ना अपनी बुरी चीजें सबसे पहले आकर के स्मृति में समा जाती, इसलिए मैंने ध्यान के संदर्भ में भी कहा कि ध्यान में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ध्यान में जैसे बैठते हैं तो जो अब तक किया और जो नहीं भी किया, पता नहीं कौन कौन से जन्म जन्मांतरों के संस्कार, वासनाएं, स्मृति, वृत्ति, सब प्रवृत्ति उठती रहती है अंदर अंदर। एक तो वृत्ति नहीं हटती, स्मृति नहीं हटती, और वो स्मृति वृत्ति हटे तो नींद आ जाती है। इन दोनों से पार है तो अब तो ऐसा जीवन हो जाए कि क्षण भी अब नीचे नहीं आना, उद्यानम ते पुरुषनाव्यानम, मुँचे उठते जाना, श्रद्धा का अतिरेक। मैंने कहा ना ये बुरी चीजों में तो एक क्षण के लिए भी ठहरना ही नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दो, निरस्त कर दो, डिसरेस्पेक्ट, डिलीट डिलीट मारो, कांटा मार दिया। जैसे किसी से बहुत बैर हो जाए ना, किसी ने अपने आत्मीय स्वजन की हत्या कर दी हो, माता की, पिता की, पुत्र की, गुरु की, किसी ने कोई बहुत बड़ा अहित कर दिया हो ना, फिर उसको डिलीट मार देते हैं, बोले भाई बस बहुत हो गया, अब इसके साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता। ऐसे सब बुरी बातों को डिलीट करते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन भी है एक, इसी को निर्बीज समाधि बोलते हैं। ये डिलीट वाला ऑप्शन को क्या बोलते हैं बच्चों योग में, निर्बीज। क्या है, जोर से बोलो, निर्बीज। डिलीट मार दो किसको, आलस्य को, प्रमाद को, झूठ को, बेईमानी को, चोरी को, हिंसा को, छल कपट को, अज्ञान को, अश्रद्धा को, डिलीट कर दो, डिलीट, निरस्त, इसको परास्त कर दो, पटकनी मार दो, चित कर दो इसको। हाँ, कपालभाति अनुलोम विलोम बहुत हो गया,
अभी मैंने घड़ी की तरफ देखा तो समय भी बहुत हो गया, तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर पूरा कर रहे हैं कि हमें अशुभ का एक क्षण के लिए भी स्वागत नहीं करना और शुभ का एक क्षण के लिए भी अनादर नहीं करना, उसी में जीना है। फिर हम धर्ममय हो जाएंगे, योगमय हो जाएंगे, प्रभुमय हो जाएंगे, अध्यात्ममय हो जाएंगे, पुण्यमय हो जाएंगे। हम धर्म के साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, राम को जैसे धर्म का साक्षात विग्रह कहा जाता, हम योग के, धर्म के, वेदों के, सत्य के साक्षात विग्रह बन जाएंगे, ऐसा हो हमारा जीवन सबका। तो इसके लिए भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर दिया, भ्रामरी उद्गीत एक एक बार करके। अब क्योंकि वक्त पूरा हो गया है, यात्रा जीवन के ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहती है, ऐसे ही बढ़ते रहना है। आओ एक बार भी हृदय से ओंकार को पुकारें, एक बार भी भगवान से, अंतर से, श्रद्धा से, भक्ति से कह दिया कि प्रभु हम तेरे हैं, तो बस उसी के हो गए। अब भोगों के वशीभूत नहीं होना, अब भगवान के हो गए तो फिर शैतान से पराजित नहीं होना। ऐसे एक बार भी भ्रामरी कर लिया, एक बार भी उद्गीत कर लिया, ओम बोल दिया और ओम के ही हो गए, ओम एक हो गए, तन्मय तद्रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। एक बार ओम बोला और ओम ही एकाकार हो गए, तन्मय तद्रूप हो गए, ये पिंड ब्रह्मांड सब को ओंकार में ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, ओम इति एकाक्षम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठ, ओम कम ब्रह्म। ऐसे ओंकार के साथ एकात्म रह करके ही ओंकार परमेश्वर के दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रकाश से, ज्योति से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म निष्ठा से, ब्रह्म कर्म से ही ओतप्रोत होकर के जीवन को जीना है, यही योग का मर्म है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। ओम शांति शांति शांति। तो आज का कार्यक्रम यहीं पूरा होता है।